अगले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन 5 बड़े खतरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 घटनाओं के बारे में जो अगले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, जलवायु परिवर्तन, वो शब्द जो आज हर किसी की जुबान पर है। लेकिन क्या वाकई हम समझते हैं इसके मायने? हम रोजाना सुनते हैं, बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र स्तर। लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या फिर हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे उन 5 बड़े खतरों के बारे में जो जलवायु परिवर्तन की वजह से अगले 50 सालों में हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर हमारे ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। ग्लेशियर, जो सदियों से पानी का भंडार रहे हैं, वो आज तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय हो या आल्प्स, अंटार्कटिका हो या आर्कटिक, हर जगह ग्लेशियरों का आकार सिकुड़ता जा रहा है और इसका सीधा असर हमारे समुद्रों पर पड़ रहा है। समुद्र का स्तर धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो अगले 50 सालों में समुद्र का स्तर कई फीट तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के कई तटीय शहर, जिनमें मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, शंघाई जैसे बड़े शहर शामिल हैं, डूबने का खतरा मंडराने लगेगा। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, खेती की जमीन बंजर हो सकती है और पीने के पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हमें जल्द ही करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस खतरे को समझें और समय रहते कदम उठाएं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहां हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहा है। बदलते तापमान और बारिश के चक्र का सीधा असर पेड़ पौधों और जानवरों पर पड़ रहा है। कई प्रजातियां अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं, तो कई खत्म होने की कगार पर हैं। जंगल छोटे हो रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं और समुद्र के खराब पानी से मूंगे की चट्टानें नष्ट हो रही हैं। इसका सीधा असर हमारे खाने, पानी और हवा पर पड़ेगा। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो हम अपनी ही धरती को एक बंजर ग्रह में बदल देंगे और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। भाग 3। पानी जिंदगी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन इस जिंदगी के स्रोत को ही खतरे में डाल रहा है। बढ़ते तापमान के कारण पानी के चक्र में बदलाव आ रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ से तबाही मच रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में पानी की कमी हो रही है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ अचानक और बहुत तेज बारिश से बाढ़ आ रही है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे किसानों को खेती करने में मुश्किलें आ रही हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में पानी के लिए भी हमें लड़ाई करनी पड़ सकती है। भाग 4। दोस्तों, विकास के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन के लिए भी चुनौतियां पैदा कर रहा है। बढ़ते तापमान के कारण नदियों में पानी की कमी हो रही है, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ तेज हवाओं और बढ़ते समुद्री स्तर से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमें ऊर्जा उत्पादन के नए और अच्छे तरीके ढूंढने होंगे। हमें ऐसी प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। भाग 5। दोस्तों, प्रकृति का प्रकोप तो हमेशा से रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और ताकत में इजाफा हुआ है। चाहे वो चक्रवात हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या सूखा, इन आपदाओं का कहर
अब ज्यादा भयावह होता जा रहा है। इन अरण आपदाओं का खेते है बढ़ता समुद्री स्तर तटील इलाकों को चक्रवातों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, सूखे से जल संकट और अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। इन आपदाओं से न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। हमें ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिससे हम इन आपदाओं का सामना कर सकें और अपने आप को इनसे बचा सकें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 घटनाएं जो हमें अगले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण देखने को मिल सकती हैं। ये घटनाएं सिर्फ एक झलक हैं उस बड़े खतरे की जो हमारे सर पर मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नजरअंदाज करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। यह समय सोचने का नहीं बल्कि काम करने का है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पृथ्वी छोड़नी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।